मैं हूं आपका दोस्त रोज संदीप और आप देख रहे हैं पापाज किचन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक चावल के साथ खाई जाने वाली विशेष डिश। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बल्कि हिल्स के इलाकों तक खूब खाई जाती है। और इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, दो चीज़ें इसके लिए बुनियादी तौर पर चाहिए। एक तो हमें तुअर की दाल और एक हमें चाहिए होती है मूली की पत्तियाँ। हालांकि पत्तियों के साथ, जैसे कद्दू की पत्तियाँ हैं या कुछ और पत्तियों के साथ भी इस तरह की डिश बनाई जाती है, लेकिन मूली के साथ, मूली के पत्तियों के साथ इस डिश को बहुत जगहों पर बनाया जाता है और इसको खाया जाता है बड़े चाव से, चावल के साथ में या पुलाव के साथ में। तो आइए झटपट से देखते हैं कि इस सब्जी को हम किस तरीके से बनाते हैं। इसके बनाने के लिए हमें, बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत ही साधारण से इंग्रेडिएंट के साथ बना रहे हैं, और झटपट से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें तुअर की दाल चाहिए, 2 या 3 घंटे के लिए हमने भिगा के रख दी इस तरीके से। तो ये चाहिए, एक हमें टमाटर, 2 प्याज और हमने लिए मूली के थोड़े से पत्ते। इनको आप अच्छे से धो लें, 2 से 3 पानी से इनको धुल लें, और धुलने के बाद में फिर इस तरीके से इनको रख लें। इनको हम काट लेंगे बारीक से, और प्याज, और इसके साथ हम थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी चाहें तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो ये दाल हमने पीस ली है, दरदरी पीस ली है, मूली के पत्ते इस तरीके से काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, टमाटर भी हमने चॉप कर लिए हैं। तो अब देखिए, एक कढ़ाई में हमने, लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, उसमें पकाते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, हम इसमें हींग डाल दी हमने, उसके बाद हम जीरा डालते हैं, और हम प्याज इसमें डाल देते हैं। प्याज हल्के से ब्राउन होते ही हम इसमें हरी पत्ती की, जो ये हैं पत्ती की पत्ता की, इसको भी हम डाल लेंगे और थोड़ी सी देर चला करके ढक लेंगे 1 से 1.5 मिनट से, ताकि पत्ते थोड़ा नरम हो जाए। अब इसको 1 से 1.5 मिनट से हम ढक लेंगे, सब्जी को देख लेते हैं अच्छे से। इसमें थोड़ा हाफ से सुबह हम टोमेटो इसमें डाल लेते हैं, इसको चला लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हम इसे ढक्कन लगा रखते हैं। तो देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये टमाटर भी लगभग पक रहे हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं इसका। और अब हम इस स्टेज पर इसमें मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। गर्म मसाले का इस्तेमाल हम क्या देर से करेंगे, जब हम इसमें दाल ऐड करते हैं। फिर वक्त इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएं थोड़ा सा, और ये इसको चलाते रहें इसी तरीके से। अब हम इसमें, मसाला जले नहीं, थोड़ा सा आँच को आप कम कर लें, और नमक डालना है इसमें, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक सारी चीज़ों के साथ, अब हम यहाँ इसमें डालेंगे हमारी दाल। दाल को मिलने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से चलाएंगे, जो सुगंध है हींग की, मसालों की, बहुत सुंदर आ रही थी। और अब हम इसको इस तरीके से चला करके हल्का सा 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, और इसको ढक करके फिर से रख देंगे। तो इसको देख लेते हैं सब्जी के क्या हाल है। ये देखिए, इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पका, मुझे गर्मी लगेगा, देखिए मुझे पकने लगेगा, लेकिन पकाना इसको जरूरी पढ़ाई है, ताकि इसकी जो मिनरल वैल्यू है या इसकी हेल्थ की जो इसकी वैल्यू है, तो थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो इस तरीके से अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके रख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हम सब्जी को देख लेते हैं कि सब्जी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक बनी है। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका शानदार कलर है येलो ग्रीनिश, और इससे गर्म मसाले की भी बहुत सारी खुशबू आ रही है। ये अब रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है सॉरी। और अब ये सब्जी हमारी बन गई है। आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, रिचनेस बहुत ही शानदार और बहुत ही नरिशियस ये सब्जी है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन मटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। तो इस तरह हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। उसके मूली के पत्ते हैं, बहुत ही शानदार इसका स्वाद आ रहा है, दाल का स्वाद है, इसमें हींग की खुशबू तो है ही है, गर्म मसाले की खुशबू है। और बहुत ही रिच ये डिश बनी है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें, पापाज किचन के साथ बने रहें, हमारे बनाई रेसिपीज़ को लाइक करें, अपनी पसंद नापसंद हमें ज़रूर बताएं, हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने वीडियोज़ हमें भेज सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।